सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत वाले अप्पे साबूदाना के अप्पे बनाना बताऊंगी। ये जो है साबूदाना को जो है मैंने पीस लिया है, ये एकदम सूजी के जैसे हो गया है। और इसमें ये मैंने काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी है और ये आधा कटोरी दही लिया है मैंने। ये टमाटर को महीन महीन काट लिया है और ये गाजर है इसको कद्दूकस कर लिया है। ये दो हरी मिर्च है इसको काट लिया है और ये हरी धनिया है, हरी धनिया को धो के साफ करके काट लिया है। अदरक काट लिया है 1 इंच का टुकड़ा, इसको जो है मैंने साफ करके कद्दूकस कर लिया इसको भी। और ये सेंधा नमक है और ये थोड़ा सा पानी है। तो आइए हम चलते हैं अप्पे बनाने। तो हम इसको लेंगे और इसमें ये दही डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। सारी चीजों को हमको एक साथ इसी में मिक्स कर देना है। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच करी, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है। अब इसको मिक्स करेंगे और हमको पानी की जब आवश्यकता होगी तो हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे सेट होने के लिए। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा सा फूल जाएगा। मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें ये पूरा 1 कटोरी पानी लग गया है। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रख देंगे और इधर हम गैस ऑन करके अप्पे मेकर चढ़ा के इसमें हम सभी खांचों में रिफाइंड ऑयल या आप घी यूज करना चाहें तो घी बना लें घी से। पांच मिनट हो गए हैं और मैंने इसमें अप्पे मेकर में तेल भी डाल के गरम कर लिया। अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा अपना बैटर डाल देंगे। मैंने सारे खांचों में बैटर डाल दिया है और अब आंच को हम मीडियम कर देंगे और हम इसको ढक्कन से ढक के 2-3 मिनट तक पका के फिर देखेंगे, उसको पलटेंगे। चार मिनट करीब हो गए हैं, अब मैं इनको ऐसे पलट दूंगी। मैंने आपको दिखाया नहीं था, दिखाना भूल गई थी। इसमें 1 चम्मच मैंने सिंघाड़े का आटा मिलाया था। मैंने इसलिए मिला दिया क्योंकि साबूदाना है, कहीं फैल ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा मिला दिया था। आप आलू, उबला हुआ आलू या सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, कुछ भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, इससे जो है और अच्छा बनेगा। ये देखिए, मैंने सारे अप्पे पलट दिए। अब हम इसको फिर से 3-4 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे अप्पे बनकर तैयार हैं। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। मैंने इसमें सोडा बिल्कुल भी नहीं डाला, फिर भी बहुत अच्छा सॉफ्ट बना है, तो इसमें सोडा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना अच्छा सब बन गया है। आप भी ये ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर थोड़ा सा ध्यान देके बनाइए, आपका भी ऐसे बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू।